हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डीवी स्टडी। आज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर सेकंड होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। स्टार्ट करेंगे आज क्लास। इन द प्रीवियस क्लास इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का इंट्रो दे दिया था मैंने, आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाला कंसेप्ट लिया था, बट हमने उसे कॉस्ट पे वैल्यू किया था। आज सेम सम ले रहे, बट यहाँ पे भी मार्केट प्राइस दिया है, बॉन्ड्स ही है। कल डिबेंचर्स था, आज 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। बॉन्ड्स हो डिबेंचर हो, सब पे इंटरेस्ट ही आता है। शेयर्स में क्या आता है, डिविडेंड। दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक है इंटरेस्ट वाला और एक है डिविडेंड वाला। डिविडेंड होगा शेयर्स पे, बाकी सब चीज़ों पर आएगा इंटरेस्ट। क्लियर? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज, आप जब इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करोगे तो ईयर एंड ढूंढने का कि ईयर एंड क्या है। प्रिपेयर 6% गवर्नमेंट ऑन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अभय कुमार फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। नहीं वो नहीं दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दिख रहा है? दिखा अभी तो 31 मार्च 2022 मेरा ईयर एंड है। जब मार्च में साल खत्म हो रहा है तो चालू होगा अप्रैल में, अप्रैल से मार्च का कैलेंडर। मार्च 2022 में खत्म हो रहा है तो 21 में चालू होगा 21-22 कैलेंडर। क्लियर? इसके बाद आपको क्या देखना है, इसके बाद आपको चेक करना है इंटरेस्ट का डेट क्या है। सबसे पहला ईयर एंड से कैलेंडर और कैलेंडर के बाद इंटरेस्ट का डेट। यहाँ पे इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। कल तो ही था, चार बार इंटरेस्ट मिल रहा है। पहली बार मिल रहा है 1 अप्रैल, तो भाई अप्रैल को दीवार बना देंगे, जुलाई पे दीवार बना दिया, अक्टूबर पे दीवार बना दिया, 1 जनवरी दीवार बना दिया। बात समझा? अभी जो दीवार है ईयर के स्टार्ट में है, तो कल भी बताया था ईयर के एंड में भी आ जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। डन है यहाँ तक? पक्का समझा? अब कुछ नहीं, अब जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा प्लॉटिंग करते जाएंगे। 1 जून 2021 को अभय कुमार ने परचेज किया है, जिसका नॉमिनल वैल्यू है 1,00,000 रुपए ऑफ 6% गवर्नमेंट बॉन्ड एट ₹91 कम इंटरेस्ट, फेस वैल्यू है 100। बराबर है? वापस एक बार, आपने परचेज किया है, कितना परचेज किया है, 1,00,000 रुपए नॉमिनल वैल्यू। मैंने वर्किंग में 3 कॉलम बनाने बोला था आपको, कौन से? नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट। तो 1 जून को मैंने परचेज किया, तो 1 जून को परचेज किया, कितना परचेज किया, 1,00,000 रुपए का, और फेस वैल्यू कितना है 100। तो अगर फेस वैल्यू 100 है तो कितने बॉन्ड परचेज किया मैंने, 1,000 × 100 करूंगा तो 1,00,000 आ जाएगा। बराबर है? क्लियर यहां तक? अब इसका कॉस्ट कितना बोला है, 91 क्या कम इंटरेस्ट, तो शेयर्स या बॉन्ड्स कितने हैं, 1,000, तो 1,000 × 91 करूंगा कितना आएगा, 91,000, विच वैल्यू कम इंटरेस्ट वैल्यू। डन, आगे बढ़ेंगे। 1 नवंबर को 20,000 रुपए का बॉन्ड्स बेचा, 1 नवंबर यहाँ पे क्या किया मैंने, 20,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, ₹20,000, तो रुपीज का मतलब होता है ये ऑलरेडी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई है। तो अगर फेस वैल्यू 100 है तो कितने बॉन्ड्स मैंने बेचा है, 200, तो यहाँ पे मैंने सेल किया है 200 बॉन्ड्स, एक का वैल्यू 100, मतलब 20,000 रुपए। बाइफर्केशन समझ में आ गया? कितने में बेचा आपने, 93 कम इंटरेस्ट, तो 200 × 93 18,600 कैलकुलेट करके चेक करो, समझेगा, मैनुअल मिस्टेक हो सकता है, कैलकुलेशन करना ही है। बराबर है? आगे 1 दिसंबर को वापस से ₹10,000 का बॉन्ड बेचा है, कितने में, 100x इंटरेस्ट। 1 दिसंबर मतलब यहां पे बेचा है कितना, 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए मतलब कितने बॉन्ड बेचे, 10,000 कितने में बेचा है, 100 में, मतलब 10,000 में बेचा है। बराबर? 31 मार्च को मार्केट प्राइस दिया है, 31 मार्च को
मार्केट प्राइस दिया, बट उसके पहले बैलेंस निकाल लेता हूं। 1 लाख खरीदा, 20,000 बेचा, 10,000 बेचा, 1 लाख में से 30 गया, तो बैलेंस कितना? समझ में आया? तो आपका बैलेंस कितना है? 70,000। और इसका मार्केट प्राइस कितना दिया है? 80। मार्केट प्राइस कितना है? 80। तो 700 इंटू 80 किया, कितना आया? 56। कल मैंने ये कंसेप्ट बताया था, बराबर है? टेंशन नहीं लेना, आपको भी समझ में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। डेट वाइज मार्किंग किया, नॉमिनल को नॉमिनल में लिखा है, कॉस्ट को कॉस्ट में, कम है तो कम वैल्यू, एक्स है तो एक्स वैल्यू, जैसा बोला वैसे प्लॉटिंग कर दिया। अब एक कॉलम खाली है, वो है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के लिए जिस डेट को परचेज या जिस डेट को सेल्स किया है उस डेट पे जाना है और दीवार तक देखना है। दीवार तक जितने मंथ्स आएंगे उतने मंथ्स का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कितने परसेंट पे? 6। तो सबसे पहला इधर आ गए, जून में फर्स्ट को आ गए, ऊपर देखेंगे जो येलो दिख रहा है वो अपना दीवार है, तो ऊपर कितने मंथ्स दिख रहे हैं मेरे को? 2 मंथ्स दिख रहे हैं। नॉमिनल वैल्यू पे 1 लाख पे 6% कैलकुलेट करो, 1 लाख पे 6%, 6,000। बट अभी कितने मंथ्स के लिए निकालना है? 2 मंथ्स के लिए, तो इंटू 2 डिवाइड बाई 12 करोगे, 1,000 रुपये आ जाएगा इंटरेस्ट। समझ में आया? फिर आगे बढ़ रहे तो दीवार आ गया बीच में, ये दीवार का मतलब है इस तारीख को आपका जितना बैलेंस होगा उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तारीख को मेरे पास कितना बैलेंस है? 1 लाख ही है, 1 लाख ही है ना, तो 1 लाख है, 1 लाख पे ऊपर देखना है कितने मंथ दिख रहे हैं, तो 1 लाख पे 6% निकालो, 6,000। लेकिन 3 मंथ्स के लिए निकालना है, तो 1 लाख के ऊपर 6% 3 मंथ्स के लिए 1,500। फिर आगे 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 जा रहे, इस वापस दीवार आ रहा है, मतलब वापस से सेम, तो इधर भी मेरे पास बैलेंस सेम ही है, कितना? 1 लाख ही है, अरे हाँ ना, कोई खरीदा नहीं कोई बेचा नहीं, तो इस तारीख को भी 1 लाख ही है। फिर ऊपर देखेंगे तो कितना मंथ दिखेगा? 6 नहीं, क्योंकि बीच में इधर दीवार आ गया, अब यहाँ से ऊपर देख रहे हो, समझ में आया? तो 1 लाख के ऊपर 6% 3 मंथ के लिए 1,500, अंडरस्टूड? फिर आगे जा रहे सेल्स आ गया, कौन से तारीख को? 1 नवंबर, तो नवंबर से ऊपर देखेंगे कितना मंथ है? ओनली 1 मंथ, किस पे? 20,000 पे, तो 20,000 के ऊपर 6% 1 मंथ के लिए 100। बात समझ में आया? फिर दिसंबर पे आ गए, 1 दिसंबर से, 1 और 2 महीना है, तो 10,000 के ऊपर 6% कितने मंथ्स के लिए? 2 मंथ्स के लिए, कितना आ रहा है? 100। बात समझ में आया? फिर आ रहे दीवार आ गया, अभी दीवार पे बैलेंस देखना पड़ेगा। 1 लाख था यहाँ तक, बट 20 चला गया, 10 चला गया, मतलब 30 चला गया, तो इधर बैलेंस 70 है, तो 70 पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा? 3 मंथ्स का, तो 70,000 पे 6% 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करो, 1050। अभी तक यहीं पे हो आप, अब यहाँ से और नीचे आ रहे, नीचे तो बैलेंस आ गया, तो बैलेंस कितना है? 70,000, तो 70,000 पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट? 3 मंथ्स का, सेम आएगा 1050। समझाइए, पहला वर्किंग था ये, एनी डाउट? पक्का सबको क्लियर है? ज्यादा पक्का क्लियर? चलिए, नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेकेंड वर्किंग, बट उसके पहले सेकेंड वर्किंग बनाते क्यों है? सबका नॉमिनल वैल्यू मालूम है, सबका इंटरेस्ट मालूम है, लेकिन सबका कॉस्ट नहीं मालूम है। लास्ट जो है उसका कॉस्ट नहीं मालूम, बट उसका मार्केट प्राइस मालूम है, कितना है? 56। क्वेश्चन में दिया था 31 मार्च को गवर्नमेंट बॉन्ड का प्राइस कितना था? 80 रुपीज। मेरे पास कितना बॉन्ड था? 700। 700 इंटू 80 किया, 56, ये मेरे को मार्केट प्राइस मिला है, बट आई नीड टू फाइंड इट कॉस्ट, और उसके निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? एक सेकेंड वर्किंग बनाएंगे, नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट वैल्यू। नॉमिनल पहला मेरे पास कितना था? 1 लाख, जिसका कॉस्ट कितना था? कम, कम मतलब हिंदी वाला कम करने का, क्या कम करने का? इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट नहीं, ये कम इंटरेस्ट, तो इसमें से हिंदी वाला कम कर दो, 1,000 रुपये इसमें कम होगा, इसका वैल्यू कितना आएगा? बात समझ में आ गया? फिर आगे बढ़ रहे, आगे बढ़ रहे, सेल्स आ रहा है, तो सेल्स आ रहा है, तो 1 लाख ही है मेरे पास बैलेंस, जिसका कॉस्ट है 90, बेचना कितना है? 20, तो 20 का कॉस्ट कितना? सर ये तो दिया है, ये सेलिंग प्राइस दिया है, और हम उसका फाइंड करने वाले कॉस्ट प्राइस, तो 1 लाख का वैल्यू 90 है, तो 20,000 का वैल्यू कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा,
करो कितना आ रहा है, 18,000 आ रहा है, समझ में आया। मतलब ये जो सामान आपने बेचा बॉन्ड, उसका कॉस्ट है 18,000 का सामान 18,600 में बेचा है, समझ में आ गया। प्रॉफिट लॉस बाद में सोचेंगे, अभी तक क्लियर है। 1,00,000 में से 20 चला गया, बचा कितना 80, 90 में से 18 गया, बचा कितना 72, बराबर। फिर वापस बेचा, वापस तो 10,000 बेचने गए, उसका कॉस्ट सर ये, मैंने कहा नहीं ये तो सेलिंग प्राइस है, सेम 80,000 का कॉस्ट है 72, तो 10,000 का कॉस्ट कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 9,000 आ गया। अरे समझा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है ना, ठीक है। 80 में से 10 गया तो कितना 70, 72 में से 9 गया तो 63, और कुछ है क्या, नहीं। तो आई गॉट बैलेंस, 70,000 मेरा बैलेंस है और उसका कॉस्ट कितना है, इधर 63 लिखने का। बट कल मैंने बताया था, अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया है तो हम मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस में क्या कम दिख रहा है, देखो जरा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो क्या मेरा प्रॉब्लम टैली होएगा? अगर मैं ये वैल्यू लिखता तो प्रॉब्लम टैली हो जाता, और अगर मैंने मार्केट प्राइस लिखा तो मेरा प्रॉब्लम टैली नहीं होएगा, डिफरेंस आएगा। कितना डिफरेंस आएगा मालूम है, इधर कितना था 63, मैंने लिखा कितना 56, मैंने कितना कम लिखा 7,000, तो 7,000 विल बी माय बैलेंस, समझा। कल ये पॉइंट अपन ने स्किप किया था क्योंकि फर्स्ट लेक्चर था, आज मैंने करवा, डन है यहाँ तक, पक्का समझा। सेकेंड वर्किंग, कमिंग टू अ थर्ड वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड, कितना सेल्स है, दो सेल्स है, मतलब दो बार प्रॉफिट एंड लॉस हुआ रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते, ये जो सामान मैंने बेचा इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, इसका कॉस्ट प्राइस 18,000 था, सेल्स कितने में किया 18,600, कम इंटरेस्ट, हिंदी वाला कम कर दो इंटरेस्ट, तो इसका सेल्स वैल्यू आएगा 18,500, समझ में आया, समझा। तो 18,000 का सामान 18,500 में बेचा, मतलब प्रॉफिट हुआ कितना 500। अगर आप इधर 600 कैलकुलेट करते हो रॉन्ग हो जाएगा, कम पे ध्यान रखना है, ठीक है, कम बोला है तो आपको कम करना ही पड़ेगा, चाहे परचेज हो चाहे सेल्स हो, अंडरस्टूड, पक्का। यहां पे मुझे प्रॉफिट हो गया, दूसरा करता हूं, बाय 10,000 बेचा, कितने में बेचा और उसका कॉस्ट कितना है, तो 9,000 का सामान 10,000 में बेचा, यहां पे प्रॉफिट है 1,000, बात समझ में आ गया। और ये एक से इसलिए डायरेक्टली लिखा है, वर्किंग इज कंप्लीट, एनी डाउट इन द वर्किंग, वर्किंग हो गया, सॉल्यूशन सिर्फ इसको देख के कॉपी पेस्ट कर देगा। सॉल्यूशन में 12% डिबेंचर अकाउंट बना दिया है, डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट, ये हो गया डेबिट साइड, डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। वर्किंग में आपने अभी देखा था, ये प्लॉटिंग किया है, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, प्रॉफिट एंड लॉस, जो वर्किंग उधर बनाया था सेम वर्किंग मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। स्टार्ट किया जाए डेट वाइज, कैलेंडर से जाना है, सबसे पहला आपने क्या किया है, जून, जून में परचेज किया है, परचेज किया तो इन्वेस्टमेंट आएगा, आएगा तो डेबिट में, इन्वेस्टमेंट आएगा तो क्या जाएगा, पैसा, तो फर्स्ट जून को पैसा जा रहा है टू कैश और बैंक, कितना नॉमिनल वैल्यू है, इंटरेस्ट कॉस्ट 90,000, 1,00,000, 90,000, क्यों 90,000, कम वैल्यू है, समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है, मैं बाद में बोलता हूँ, डन, यहाँ तक पक्का, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सेल्स, मैंने कहा नहीं, सीक्वेंस में जाना है, दीवार आ रहा है और दीवार पे क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट, कूल बनने मत जाओ, हाँ ध्यान दो, तो यहाँ पे बैलेंस में आपको क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका इनकम है, बराबर है, अब ये पैसा मिलने वाला है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होएगा, क्रेडिट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, कौन सी तारीख को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट का डेट दिया था 1 जुलाई, यहाँ पे 1 जुलाई क्या मिलने वाला है, बाय कैश और बैंक, इंटरेस्ट की कॉलम में कितना 1,500, दैट्स इट। फिर आगे जाएंगे, फिर इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो वापस ये इंटरेस्ट कब मिलने वाला है, 1 अक्टूबर,
फर्स्ट अक्टूबर को वापस बाय कैश और बैंक कितना 1500। सीक्वेंस अब आ रहा है सेल्स, खरीदा तो डेबिट, बेचा तो क्रेडिट, बेचोगे तो पैसा ही आएगा, वापस से बाय कैश और बैंक कितना बेचा 20,000 बराबर है, इंटरेस्ट कितना 100 18,000 समझ में आ गया क्लियर। अब जब भी बेचोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस तो होगा ही, तो जब मैंने इसको बेचा तो प्रॉफिट हुआ क्या लॉस, कितने का प्रॉफिट हुआ, जो भी प्रॉफिट होगा ना वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट, तो इधर क्या हो जाएगा डेबिट, यहाँ पे डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 500 कौन से कॉलम में, कॉस्ट कॉलम में, बात समझा क्लियर। चलिए फिर सीक्वेंस वापस दिसंबर में आ गए, सेल्स किया, सेल्स किया मतलब वापस सामान जा रहा है, बाय कैश और बैंक कितना 10,000 110,000 प्रॉफिट हुआ के लॉस, जो भी प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट कितना 1000 समझ में आ गया। फिर बैलेंस का इंटरेस्ट मिलने वाला तो इनकम है, तो यहाँ पे बाय कैश और बैंक 105। फिर बैलेंस आ रहा है कितना 70,000 1050 56, तो बाय बैलेंस 70,000 1050 56 कंप्लीट। अब क्लोजिंग, अगर मैंने इधर 63,000 लिखा होता प्रॉब्लम टैली हो जाता, बट क्योंकि मैंने 63 नहीं लिखा है तो नॉमिनल तो टैली हो जाएगा, 1,01,000 ये टैली हो जाएगा, नॉमिनल में प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉस्ट में इसका टोटल हो गया 91,500 कितना बैलेंस आएगा 7,000। आप देखो ये सब माइनस करके 7,000 आ रहा है कि नहीं, 18,500 10,000 56 माइनस करो कितना आ रहा है, सब माइनस करो 56 बैलेंस आएगा ही, सॉरी 7,000 बैलेंस आएगा ही, यहाँ पे बैलेंस आ रहा है 7,000। क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, समझ में आ गया। अब कौन सा कॉलम क्लोज होगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कभी टैली नहीं होगा, इंटरेस्ट में जिधर का टोटल ज्यादा उधर का लेना, यही टोटल ज्यादा है सेम लिया, उसमें से 1000 माइनस किया 4,300 टू प्रॉफिट एंड लॉस, समझ में आ गया क्या, सिंपल टॉपिक है अभी बोल रहा हूँ क्लियर। वर्किंग, इफ यू अंडरस्टैंड द वर्किंग सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, वर्किंग को मार्क्स एक भी नहीं है, वर्किंग को मार्क्स नहीं है, बट आपका वर्किंग रेडी है तो आपको अमाउंट कितना इजीली समझ में आता है देख लो। अब कॉलेज के अंदर ये जो कैलकुलेशन मैं इधर बता रहा हूँ वो डायरेक्टली बोल देंगे, भाई ये इंटरेस्ट है, ये नॉमिनल है, ये कॉस्ट है, लिख दो, आपको लगेगा यार यार फटाफट हो रहा है, बट वर्किंग में थोड़ा टाइम डालो अच्छे से, ये और अच्छे से प्रेजेंट हो और कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि मैं आपको आपका क्रॉस चेक भी बता देता हूँ कि राइट है या रॉन्ग है, ओके। तो आज इतना ही करते हैं, होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।